वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ तृप्ति सक्सेना और आज हम बनाएंगे पनीर की आइसक्रीम। पनीर की आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पनीर की आइसक्रीम बनाना। तो उसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है एक बार देख लेते हैं। एक कप दूध, दो बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, दो बड़े चम्मच शक्कर, पनीर, पनीर आप अपने अनुसार ले सकते हैं जितना आपको पनीर चाहिए। मैंने आधा पनीर यूज कर रही हूं, मैं ये घर का बनाया हुआ पनीर है। और चॉप्ड कैश्यू नट्स एंड देन रेजिन यानी कि किशमिश और ये काजू। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पनीर की आइसक्रीम बनाना। पनीर की आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस जार में डाल दूंगी ये पनीर और इसको मैं चर्न कर लूंगी अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो हमारा ये पनीर देखिए अच्छे से पूरा अच्छे से चर्न हो गया है और अब हम इसमें डाल देंगे ये शुगर, मिल्क पाउडर और वन कप ऑफ मिल्क। इसे बंद कर देते हैं और एक बार फिर से चर्न कर देते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कितना अच्छा हमारा ये पूरा आइसक्रीम का बैटर रेडी हो गया है। तो बहुत ही अच्छा स्मूथ एकदम रेडी हुआ है। आप इसमें चाहे तो एसेंस भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें तो, पर इसमें एसेंस की मुझे तो नीड नहीं लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इन्हें एक अच्छे से बाउल में निकाल लेते हैं जिसमें हमें इनको जमाना है। तो अब हम इसको इसमें डाल देते हैं इस तरीके से। और उसके बाद अब हम इसमें थोड़े से ये ड्राई फ्रूट्स जो मैंने लिए हुए हैं किशमिश वगैरह ये डाल दिया है और थोड़े से ये देखिए काजू मैंने इस तरीके से डाल दिया है। और अब हम इसमें लगा देंगे फॉइल। मैं इस तरीके से इसको कवर कर दूंगी। हमारे 6 से 8 घंटे हो गए हैं तो चलिए अब हम इसे निकाल के देख लेते हैं। तो हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छे से पनीर की जम गई है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं एक अच्छे से बाउल में और इसकी खूब अच्छी सी गार्निशिंग कर देते हैं। गार्निशिंग के लिए आप कैसे भी गार्निशिंग कर सकते हो जैसा आपको पसंद हो। ये हमने आइसक्रीम निकाल ली है और अब हम इसकी कर देते हैं एक सुंदर सी गार्निशिंग। तो आप देख सकते हैं मैंने ये रोज सिरप डाल दिया इसके ऊपर और कुछ ये टूटी फ्रूटी डाल दी है मैंने। आप कोई भी कलर की टूटी फ्रूटी ऐड कर सकते हैं और कुछ चोको चिप्स भी इस तरीके से आप डाल देंगे तो बच्चों को बहुत पसंद आता है क्योंकि चोको चिप्स, तो इसलिए मैं ज़रूर डालती हूँ। और मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद आता है चोको चिप्स। और इस तरीके से एक चोको स्टिक आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। और इस तरीके से आप गार्निशिंग के लिए ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। हमारी पनीर की आइसक्रीम रेडी हो गई है और आप इसको जरूर बनाइएगा और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा कि आपको हमारी ये पनीर की आइसक्रीम कैसी लगी। और प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।